नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं विकास कुमार। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी बार मेरे पास रिकमेंडेशन आई है इस वीडियो को बनाने के लिए। सो गाइज, अभी आप जो वॉलपेपर देख रहे हैं अपने PC पे, ये कोई वॉलपेपर नहीं है। ये मैंने अभी कुछ देर पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा है। मैंने इसको ल्यूमियन के अंदर क्रिएट किया है और एक ये लैंडस्केप है जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक है। जैसा आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा जैसे कि ये कहीं से कोई फ़ोटो लिया गया है। ये फ़ोटो नहीं है, ये इसको मैंने ल्यूमियन के अंदर यानी कि ल्यूमियन 6.0 के अंदर इस लैंडस्केप को क्रिएट किया है। सो गाइज, आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है लैंडस्केप के ऊपर है। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप, नेचर लैंडस्केप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो। वैसे एक्चुअल में आप जो देख रहे हैं, जैसे अभी ये है माउंटेन, ये भी एक लैंडस्केप है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल एक प्लेन, बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड लेंगे और उसके अंदर लैंडस्केप क्रिएट करना सीखेंगे। जैसे कि यदि आपको नदी क्रिएट करनी है या फिर सी या फिर कोई यानी कि समुंदर यानी कि झील या कुछ भी, किसी भी तरह का आपको लैंडस्केप क्रिएट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला ट्यूटोरियल वीडियो है लैंडस्केप के ऊपर। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं पूरा परफेक्ट यहाँ पर बना पाऊँगा या कुछ सिखा पाऊँगा, हाँ लेकिन बेसिक मैं आपको ज़रूर सिखा पाऊँगा इसमें। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्लेन बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एक प्लेन बैकग्राउंड है। ठीक है, तो मैंने फेस कैम को थोड़ा ऊपर इसलिए किया है ताकि सभी ऑप्शंस जो मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा लैंडस्केप क्रिएट करने के लिए आप अच्छे से देख पाएँ। तो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे राइट साइड में आएंगे तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले तो वेदर का है, तो वेदर का हम बाद में यूज़ करेंगे। तो हमें लैंडस्केप क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे जो हमारे पास लैंडस्केप का ऑप्शन है, तो हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं चूज लैंडस्केप। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे कि आपको किस तरह का लैंडस्केप चूज करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बिल्कुल ही हम सिंपल ले लेंगे जिसके अंदर कोई भी ग्रास वगैरह ना हो, बिल्कुल प्लेन हो। तो मैं ये डेजर्ट का ले लेता हूँ, या आप चाहे तो कोई और भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेजर्ट का ले लेता हूँ। तो अभी हमारे पास बिल्कुल एक सिंपल और प्लेन लैंडस्केप है। इसे नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ब्रश साइज, यहाँ पे ब्रश साइज और स्पीड। तो यहाँ पे मैं ब्रश साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ स्टार्टिंग में, स्पीड इतनी मैटर नहीं रखती। तो हम सबसे पहले तो इसको जूम करते हैं। यहाँ पर WASD की का यूज़ करना होगा आपको, ई से ये देखिए इस तरह से, और ये हमारा सेंटर होगा, ये जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल प्लेन यहाँ पे बैकग्राउंड है, लैंडस्केप है जो। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक रिवर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो रिवर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले ऑप्शन जो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले हाइट का यहाँ पे ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो राइज का, इसका यदि हम यूज़ करेंगे, यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कोई भी, ये देखिए इस तरह से राइज हो जाएगी जगह, आप देख पा रहे होंगे एकदम छोटी सी पहाड़ी टाइप का कुछ बन गया। ठीक है, मैं इसको उंडो कर देता हूँ। इसे नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमें रिवर बनाने के लिए, हमें गड्ढा करना होगा यानी कि रिवर की खुदाई करनी होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है लोअर का है, यानी कि इस ऑप्शन की हेल्प से हम इस तरह से लो कर सकते हैं इसको, ये देखिए। ठीक है, तो इसको भी मुंडो कर देता हूँ। तो इस हिसाब से यहाँ से ब्रश का साइज़ हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिवर क्रिएट करूँगा, बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको हाई टॉप व्यू पे कर लेता हूँ इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल मैं यहाँ पे टॉप व्यू पे इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ सेंटर से मैं एक रिवर क्रिएट करता हूँ और ब्रश का साइज़ मैं यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा लूँगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आपको क्लिक करनी है माउस की, या क्लिक किए किए आप इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से आप गड्ढा बना देंगे ज़मीन के अंदर ताकि थोड़ा ये रियलिस्टिक लगे। और इसको थोड़ा मैं शेप भी, इसको थोड़ा मैं आर्क की शेप दूंगा, ये देखिए इस तरह से। तो ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो मॉडल ज़्यादा हैवी हो जाएगा और हमारा PC हैंग करेगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो रिवर बना ली है। ठीक है, इस तरह से
इससे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, हमें इसके अंदर वाटर चाहिए, तो इसके अंदर हम वाटर कैसे शो करेंगे, यानी कि वाटर कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे ये देखिए वाटर का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे वाटर मिल जाएंगे। तो आप कोई भी इनमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं वाटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले वाला ही ओशियन वाला ले सकता हूँ, या फिर आप यहाँ पर डर्ट वाला ले सकते हैं कि डेजर्ट वाला, तो वो आपके ऊपर डिपेंड, आप कैसा लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर माउंटेंस वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वाटर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो इस तरह से क्लिक करते ही यहाँ पे वाटर का यहाँ पे आइकन आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसका साइज़ हमें बड़ा चाहिए, इसको स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, ये देखिए इसको पूरी तरह से इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। तो मैंने पूरा यहाँ तक इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है अप का, तो यहाँ पर अप के पे क्लिक करके इसको थोड़ा ऊपर की तरफ राइज करेंगे, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने एक रिवर क्रिएट की है, इसके अंदर वाटर है। अभी मैं इसको दिखाऊं तो आपको ध्यान से, तो अब हमें यहाँ पे सामने हैं जो थोड़े माउंटेन्स चाहिए ताकि थोड़ा और अच्छा लगे ये। तो फिर से हम हाइट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम माउंटेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे माउंटेंस क्रिएट करेंगे, और माउंटेंस के अंदर जो है थर्ड ऑप्शन है जो, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ब्रश के साइज़ को हम थोड़ा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो अब हम यहाँ पे माउंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये थोड़ा इस तरह से, ये देखिए, ओके। तो इसको एक बार मुंडो कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा रियलिस्टिक लगे ताकि ये, ओके गाइस। उसके बाद जैसे हमने ये रिवर क्रिएट की, उसके बाद में भी हम यहाँ पे लैंडस्केप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यदि हमें यहाँ पे ग्रीन चाहिए तो ये देखिए, हम इसको यहाँ पे पूरा ग्रीन भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के आपको मिल जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो आप बाद में भी जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जैसे हमने थोड़ा यहाँ पे ये देखिए, हमने ये जो है थोड़ी छोटी पहाड़ियाँ बनाई हैं, तो इसको यदि हमें थोड़ा शेप में लेके आना है, तो यहाँ पे स्मूथ करना है इनको, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं इसका थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए, ई से ये इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे, और डब्लू से, सॉरी, क्यू से नीचे की तरफ, और डब्लू से हम आगे की तरफ जाएंगे इस तरह से, ये देखिए। अब आप देखिए ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है, जब हम इसको बिल्कुल नज़दीक से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक। और ये देखिए, ये देखिए, अब हम पानी के अंदर चले गए, ये देखिए कितना रियलिस्टिक है, ये देखिए। अब कौन कह सकता है यदि मैं इसको रेंडर करूँगा कि ये एक क्रिएट की हुई लैंडस्केप है, रियलिस्टिक नहीं है। ओके, तो हम आगे का काम शुरू करते हैं ताकि थोड़ा और रियलिस्टिक लगे, ओके। तो हम फिर से ब्रश लेते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस, और फिर से थोड़ा राइज करते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे ब्रश का साइज़ थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, या छोटा रख सकते हैं थोड़ा, तो इस तरह से, ये देखिए, यदि आप पबजी खेलते हैं तो पबजी के अंदर आपने देखा होगा जो ब्रिज बना होता, ब्रिज रिवर के ऊपर से, तो वो इसी तरह से क्रिएट किया जाता है, ठीक है गाइज। तो इस तरह से हम जो है पहाड़ियाँ इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं छोटी छोटी, यानी कि लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, हमें यहाँ पर यदि थोड़ी बहुत ग्रीनरी दिखानी है, ग्रास वगैरह दिखानी है, या हमें इसके अंदर कुछ पेड़ पौधे दिखाने, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे।
तो यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का है, जो है सबसे लास्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रीज़ के अंदर जाएंगे, नेचर के अंदर, ट्रीज़ के अंदर, और यहाँ से सेलेक्ट करें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से आप जो है कोई भी जो ट्री है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेजर्ट में जिस टाइप के ट्री होते हैं आप इस टाइप के यहाँ पे ट्री जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सभी अलग अलग टाइप्स के आपको ट्री मिल जाएंगे। ओके गाइज, ये देखिए, तो हम यहाँ पे जो नारियल के पेड़ होते हैं उसी टाइप के पेड़ जो डेजर्ट में होते हैं उसी टाइप के पेड़ यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ताकि रियलिस्टिक लगे। जैसे ये है, थोड़ा और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए डेजर्ट को, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस तरह से आप इनको प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से अलग अलग जगह पे, और बाद में यदि आप इनका साइज़ भी चेंज करना चाहें तो आप साइज़ भी चेंज कर पाएंगे। ये देखिए इस तरह से, देख ही जगह पे बहुत सारे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी प्रकार इसके अलावा कोई और आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, आप इस तरह से ये देखिए, ओके, ये देखिए अब ये बेस्ट चीज़ आई है। यदि आपको रोक दिखानी है कहीं पे, पानी के अंदर दिखानी है, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टोन्स, ठीक है। मैं कोई एक आपको दिखा देता हूँ लगा के, जैसे ये ले लेते हैं पानी के अंदर, यदि आसपास दिखाना है तो, यदि मैं कहीं लगा के दिखाऊँ आपको, मान लीजिए हमें यहाँ पे दिखानी है, तो ये देखिए, देखा यहाँ पे दिखानी, जैसे जैसे बत्तख है, ये हम दिखा सकते हैं पानी के अंदर चाहें तो, जैसे ये है तो ये भी हम दिखा सकते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लगेगा यार ये, ठीक है। इसी प्रकार हम और कुछ दिखा सकते हैं इसके अंदर जो पानी से रिलेटेड हो, जैसे ये बत्तख है, डक है, इसको भी दिखा सकते हैं हम। थोड़ा और आगे चलते हैं, ओके, तो काफ़ी हो गया भाई, कितना भी ज़्यादा करो बहुत ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चाहूँ तो मैं यहाँ से फिर से लैंडस्केप यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, यदि डेजर्ट दिखाना चाहूँ तो फिर से ये देखिए डेजर्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, वेदर पे, ठीक है। आप वेदर किस टाइम का दिखाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यदि नाइट का दिखाना चाहते हैं जो भी, यहाँ पे आप वेदर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सनलाइट है, ये देखिए, जैसे ये वहाँ पे है, ठीक है, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसके डायरेक्शन। ये देखिए नॉर्थ में है जैसे, ठीक है, बिल्कुल इसको सामने लेके आते हैं, इस तरह से। अब हम ये देखिए सूर्य नीचे की तरफ भी लेके आ सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा जब हम सूर्य की किरणें पानी के ऊपर पड़ेंगी इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। अब इस तरह से मैंने इतना हाई इसको किया, अब देखिए अब कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है ये देखिए। देखिए जैसे आप यहाँ से भी ले सकते हैं फ़ोटो चाहें तो, ये देखिए आप जो भी यहाँ पे एंगल एडजस्ट करेंगे उसी के एंगल से। चलिए फाइनली हम इसका एक फ़ोटो निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में फ़ोटो का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ से आपको अपना रेजुलेशन देख लेना है, ठीक है। सबसे बेस्ट रेजुलेशन रहेगा आपके लिए जो आपके डेस्कटॉप का रेजोल्यूशन, जैसे मेरा 1920 का है रेजोल्यूशन है, ठीक है, फुल एचडी का, या आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1920 पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे
जैसे क्लिक करेंगे वो एंगल यहाँ पे सेव हो जाएगा, और यहाँ पे भी आप अपना एंगल जो है चेंज कर सकते हैं, ये देखिए जो भी एंगल में आप सेव करना चाहें। ठीक है, जैसे हम एक फ़ोटो जो है डेजर्ट में सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं इमेज वन के नाम से सेव कर लेता हूँ यहाँ पे JPG में, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक करना है सिंपली, तो यहाँ पे रेंडर होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो गाइज देख लेते हैं किस तरह का फ़ोटो मिला हमें, ओपन करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रियलिस्टिक है। ठीक है, यदि आप इसकी एमिनेशन लाएंगे तो ये सभी आपको जैसे मछलियाँ हैं, ये डक्स हैं, ठीक है, ये आपको घूमते फिरते भी नज़र आएंगे। ठीक है, अब हम इसका जो है एक अलग उसमें जो है रेंडर निकाल के देखेंगे। यहाँ से फिर से लैंडस्केप में आएंगे और यहाँ से हम इसका चेंज कर देंगे जो है वहाँ का पे, ये देखिए। ठीक है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम सन की लोकेशन चेंज करके अलग टाइम में भी जो है रेंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सामने की तरफ आ गया सन, ओके, अब हम उसकी टाइमिंग चेंज करेंगे, ये देखिए। इस प्रकार आप अलग अलग एंगल से जो है रेंडर यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम जो है लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं ल्यूमियन की हेल्प से। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम एक वॉलपेपर पीसी के लिए निकाल लेते हैं इसी तरह से सिंपल, ओनली वाटर का। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, जैसे मैं इस एरिया का वॉलपेपर निकालना चाहता हूँ। तो फिर से हम फोटोज़ के अंदर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है गाइस, सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वॉलपेपर इस तरह से सेव हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए कितनी प्यारी इमेज हमें यहाँ पे मिली है। सो गाइज, इस तरह से हम लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं ल्यूमिन के अंदर। यदि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ में आया हो और कुछ सीखने को मिला हो नया इसके अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एम करते हैं 100 लाइक का, आशा करते हैं कि आप पहुँचा ही दोगे। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ट्रोल वीडियो में आप लोग इस फिल्म लगा दोगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।